जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की योजना नहीं बना पाएंगे। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मीन लग्न वालों के लिए 2021 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। मीन लग्न वाले लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, इनको बिजी रहना पसंद होता है, पढ़ना और पढ़ाना इन्हें अच्छा लगता है, इनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत परिवर्तन आते रहते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में इनको नुकसान भी होता है, बहुत पैसा खर्च करते हैं, दान भी बहुत देते हैं, दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, सिद्धांत पर चलने वाले लोग होते हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं और मिलनसार होते हैं। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 12 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। इस साल आपको इतने सारे चांसेस मिलेंगे जो आपके करियर और बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे, आपके बिजनेस और करियर को बूस्ट कर देंगे। कुछ काम में आपको प्रॉब्लम आने के कारण आपका काम डिले होगा, लेकिन वह भी आपके लिए फ्यूचर में फायदेमंद ही होगा। आप अपने बिजनेस के लिए बहुत टाइम से जो प्लानिंग कर रहे थे वह अब सक्सेस होने वाला है। अपनी जॉब के लिए आपने जो मेहनत की है उसका फायदा अब आपको मिलेगा। आपके कॉम्पिटिटर से आपको जो परेशानियाँ मिल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल फील्ड में काम करने वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मार्च, अप्रैल, मई और जून के दौरान आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो सकता है। जिन लोगों की जॉब चली गई थी उनको नई जॉब मिल सकती है। अपनी जॉब चेंज करना चाहते थे तो वो भी अब हो जाएगा। 22 मई से 19 जुलाई बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। पैतृक संपत्ति के कारण जो वाद विवाद चल रहे थे वो भी अब खत्म हो जाएंगे और आपको प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक पोजीशन अब मजबूत हो जाएगी। परिवार के अंदर जो मतभेद बढ़ गए थे वह भी अब दूर हो जाएंगे। शादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो शादी भी हो जाएगी। 20 अप्रैल तक का समय शादी करने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो वह भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना होगा। आपके सरकारी काम काज जो अटके हुए थे वो भी अब पूरे हो जाएंगे। शेयर बाजार में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे। विदेश में नौकरी करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं, और आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक का टाइम विदेश जाने के लिए बेस्ट रहेगा। किसी को प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। जुलाई और अगस्त के दौरान आपके रिलेटिव्स के साथ विवाद हो सकता है, ऑफिस के स्टाफ के साथ भी विवाद हो सकता है। सितंबर और अक्टूबर के दौरान आपकी जवाबदारियां बढ़ सकती हैं। नवंबर और दिसंबर में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। आपके बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे थे अब वह पढ़ाई करने लगेंगे। 10 फरवरी को मकर राशि में 6 ग्रह साथ में आ जाएंगे। मकर राशि आपके 11वें भाव में आती है तो इस बात का असर सब लोगों पर पड़ेगा। आपको इस दिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 2021 में 2 ग्रहण होने वाले हैं, 26 मई को चंद्र ग्रहण और 10 जून को सूर्य ग्रहण। वैसे सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिखने वाला। हर अमावस्या पर आपको विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने चाहिए। गुरुवार को केसर का तिलक लगाना चाहिए। अपनी माँ और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इससे आपको लाभ होगा। तो ये था मीन लग्न वालों के लिए 2021 के साल का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।